अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम मशहूर तरीन लाहौरी आलू अंडे बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप ऐसा करें कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर लें। तो अगर आपने ये सब कर लिया है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 1.5 टीस्पून नमक, उसके बाद 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून हर्ष धनिया है, और उसके बाद 2 पिंच अजवाइन है, 1 बादाम का फूल है और 2 सिनेमन स्टिक्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 बड़े बड़े टमाटर और 3 हरी मिर्चें हैं कटी हुई। ये हमारे पास दरमियान साइज़ के 6 आलू हैं कटे हुए। ये हमारे पास 3 प्याज हैं कटे हुए। 3 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास खुश धनिया है थोड़ा सा। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास 5 उबले हुए अंडे हैं जिनके अंदर हम कर लेंगे होल्स। ये हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं, इनके अंदर हम छोटे छोटे होल्स पोक करेंगे। वो क्यों करेंगे? ताकि मसाला जो है वो इनके अंदर तक जाए और इनका भी टेस्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाए। जैसे मैं इस अंडे के ऊपर कर रही हूँ होल्स हर तरफ कर रही हूँ, वैसे ही आपने 5 अंडों के ऊपर होल्स कर लेने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम कढ़ाई को चढ़ा लेंगे चूल्हे के ऊपर एज यूजुअल, और उसमें हम डाल लेंगे तेल, कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। हज पे जरूरत कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम उसमें डाल लेंगे प्याज जो हमने काट के रखा था, वो प्याज हम उसमें ऐड कर लेंगे। क्या आप देख सकते हैं मैं प्याज ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। जब हमारा प्याज जो है वो फ्राई होना शुरू होगा तो हम इसे कवर कर देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। हाँ जी, अब हम इस प्याज में डाल देंगे हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो, या आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। इसको मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। कि आप देख सकते हैं इसको मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब ये मैं जब से मिक्स कर लूँगी इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं मैं इसको ढक रही हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हाँ जी, तो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका कच्चापन हो गया है ख़त्म। क्या आप देख सकते हैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर अपनी जो स्पाइसेस हैं वो डाल लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल लेंगे नमक। ये आप देख सकते हैं मैं डालने लगी नमक इसके अंदर। ये देखें, अब मैं इसके अंदर जो हमने मेजर करके रखा था नमक वो डाल रही हूँ। आपने जो हाथ से डालना है मेरा गिर गया 1/2 चम्मच के ऊपर। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च जो मेजर करके रखी थी वहीं डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमारे पास हल्दी है वो डाल रही हूँ। ये देखें मैंने इसके ऊपर हल्दी भी डाल दी है। अब हम क्या कर लेंगे कि हम इसके जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। कि आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ उसको अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो टमाटर हमने रखे हुए थे कट कर कर चॉप करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये आप देखें मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं। ये मैं कर रही हूँ टमाटर ऐड। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हम इसको भी टमाटरों को भी हम इस मिक्सचर के साथ कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने करना है टमाटर को सॉफ्ट। तो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ी देर के लिए, ये 1-2-3 मिनट के लिए ऐसा करेंगे कि ढक देंगे। ये आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर ढक रही हूँ। हाँ जी, तो हमारा टमाटर हो चुका है सॉफ्ट। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी देंगे, यानी कि थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। 1/2 कप पानी हम मैंने ऑलमोस्ट डाला था इसके अंदर। सभी मिक्स कर लेंगे इसके साथ। और अब हमने क्या करना है कि हमने भूनना है प्याज और टमाटर को ताकि वो बिल्कुल जो है नज़र ना आए। सही है, जिस तरह मैं कहना पसंद करती हूँ कि उसकी बिल्कुल ग्रेवी फॉर्म हो जाए। या आप देख सकते हैं मैं किस तरह से उसको दबा रही हूँ ताकि टमाटर के जो सॉलिड पीसेस हैं वो भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएं हीट लगने के बाद और एक ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने इसके बाद इसके अंदर अंडे डालने हैं। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह आप प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम फिर इसके बाद अंडे डालेंगे जब ये बिल्कुल एक ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह हम करेंगे कि कोई भी सॉलिड पीस ना रह जाए, ना टमाटर का और ना प्याज का। इसको इस तरह भूनना है और साथ इसको हमने इस तरह डैबिंग मोशन में नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि जो पीसेज हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाए।
अच्छा जी, ये ग्रेवी फॉर्म हो गई है, अब हम इसके अंदर अंडे डाल रहे हैं। तो हमने बॉयल करके रखे थे, जिन्हें हमने रोज को फ्राई करके थे, ये बॉयल थे, हम वो डालेंगे इनके अंदर। और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसे करेंगे मिक्सर के साथ, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि मसाला जो है वो इनके अंदर तक जाए, जिस रीज़न के लिए हमने होल्स कुक किए थे। हम ये अंडे डालने के बाद हम इसके अंदर जो हमने दालचीनी की 2 स्टिक्स रखी थी वो डालेंगे, उसके बाद बादाम का फूलता वो डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे और कुछ धनिया डालेंगे, और इसको कर लेंगे आपस में मिक्स अंडों के साथ और मिक्सचर के साथ जो हमारे ग्रेवी है उसके साथ, या आप देख सकते हैं इस तरह मिक्स कर लेंगे हम इसको। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको कर देंगे कवर, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे, ठीक है। और आंच को भी हमें आहिस्ता करना है, या आप देख सकते हैं इस तरह करके हम इसको कर देंगे कवर अप, और कवर करने के बाद हम इसकी जो आँच है उसको बिल्कुल धीमी कर देंगे। हाँ जी, तुम्हारे अंडे हो गए हैं तैयार, उनके अंदर चला गया मिक्सचर, आप देख सकते हैं इस तरह कि उनका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, येलो सा हो गया उनका कलर। और अब हम क्या करेंगे, उनको निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मिक्स करने के बाद ये इस तरह से आपने निकालना है, या अगर नोटिस कीजिएगा थर्ड एग जो है जो तीसरा अंडा होगा वो मेरे हाथ में आएगा, किस तरह ये डरा देखिएगा। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे कि हम अपने इस मिक्सचर में जिससे हमने अंडे निकाले थे उसमें अपने आलू डाल देंगे, जो हमने काट कर पानी में रखे हुए थे वो डाल देंगे इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे जैसे पीसेस किए हैं, ये इस तरह इन पीसेस को हमने डाल दिया है इसके अंदर, अपने मिक्सचर के अंदर, और अपनी ग्रेवी के अंदर डालकर हमने इनको ग्रेवी के साथ कोट कर लिया है, बिल्कुल मिक्स कर लिया है कि ये जो है सारे आलू हैं वो कोट हो जाएँ। उसके बाद हम इसके अंदर जो है हमारी पड़ी इसी जो अजवाइन हम वो डालेंगे, ये आप देख सकते हैं जो अजवाइन थी वो डाल दिया इसके अंदर अब। और अजवाइन डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार, ये आप देख सकते हैं मैं मिक्स करने लगी हूँ इसको, ये देखें इसको मैं इस तरह कर लूँगी मिक्स इसके साथ एक बार। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम मिक्स तो कर लें अच्छी तरीके से। हाँ जी, ये मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हाँ जी, तुम्हारे जो ये आलू हैं ये कुछ हद तक हो गए हैं, अंदर से पक गए हैं कुछ हद तक, तो ये आप देख सकते हैं ग्रेवी में भी ऑयल छोड़ दिया ग्रेवी ने भी। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारा फ्रेश हमने धनिया रखा हुआ था, फ्रेश कोरिएंडर, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी हम वो डाल देंगे इसके अंदर, और उनको भी कर लेंगे इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स। मैं करने लगी हूँ बस मिक्स, आप देख सकते हैं इस तरह हम कर लेंगे इसको मिक्स इसके साथ। और मिक्स करने के बाद, मिक्स हो जाए फिर बताती हूँ, ये देखें इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ढकने के बाद हम आपको ये बताते हैं, इसको ढकने डाल दिया, ये देखें इसको मैंने ढक दिया है। हाँ जी, 2 से 3 मिनट के बाद इसको अनकवर करके हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे बॉयल्ड एग्स थे हमने निकाल के फ्राई कर रखे थे, उनको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ये देखिए मैंने ऐड कर लिए हैं, और उनको भी कर लेंगे एक दफ़ा मिक्स इसके साथ। हाँ जी, तो मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे पानी ऐड कर लेंगे। अब पानी आपने अपने हिसाब से ऐड करना है जितना आपको ज़रूरत है, यानी कि अगर आपने सालन के साथ खाना है तो फिर ऑब्वियसली बात है पतला सालन बनेगा, अगर आपने रोटी या नान के साथ खाना है तो थिक सी ग्रेवी बनेगी, लेकिन मैं इसको बीच में कहीं पर रख रही हूँ, ज़्यादा थिक भी नहीं ज़्यादा थिन भी नहीं। तो इसमें मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, या आप देख सकते हैं ऐसे करके इसको मैंने मिक्स भी कर लिया इसके साथ। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो आलू में कसर रह गई है वो पूरी हो जाए और सालन भी थोड़ा थिक हो जाए। हाँ जी, तो माशाल्लाह से हमारा सालन हो गया एकदम तैयार, या आप देख सकते हैं इसमें जो उबाले आ रहे हैं, ये उबाले आ रहे हैं, आपकी जो सालन है ये वॉटरी वॉटरी सा नहीं रहेगा, इसका भी ये भी फ्लेवरफुल होगा, इसका भी अच्छा सा टेस्ट होगा। अब हम कर लेंगे इसको डिश आउट, और ये होते हैं। हाँ जी, तो वीडियो का हो गया है एंड, आप देख सकते हैं डिश आउट हो रही है हमारी डिश। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, और हमारी वीडियोस को जो है बहुत सारा प्यार दें,
और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करें। अल्लाह हाफिज़।